If you like the video, subscribe us. For any doubt, comment us. It is an ideal gas equation where R is a constant, cold gas constant. Hello dear student, my name is Devendra Singh. Today I teach you about gas laws. Gases law. Gases law mein number first hai Boyle's law in 1662 mein. यानी कि 1662 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स ने बताया एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इन्होंने कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रखा द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ द गैस यानी कि जो गैस ले रहे हो उसका वॉल्यूम आपको मालूम होना चाहिए गैस का इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसर फिर मैं इस डेफिनेशन को दोबारा बोला हूं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर For a given mass of a gas, P is the pressure and V is the volume, then V inversely proportional 1 upon P at constant temperature, V is equal to K into 1 upon P. Cross multiply करने पर P V is equal to K आ जाएगा, where K is the constant. Therefore, at constant temperature, इसकी second definition बन सकती है, at constant temperature, the product of the pressure P and the volume V is constant for a given mass of the gas yani ki p1v1 is equal to p2v2 and so etc then if the for a given mass of a gas its volume is volume v1 par pressure agar p1 hai at pressure p1 and volume v2 par agar pressure p2 hai then p1v1 is equal to p2 is always constant number a point at constant temperature ka constant rakhte hue for a given mass of the gas the graph between प्रेशर पी एंड वॉल्यूम वी इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है द कर्व जो कर्व शो करता है दैट द वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिक्रीज वॉल्यूम गैस का डिक्रीज होता है विद इनक्रीज द प्रेशर को बढ़ाने पर या प्रेशर वर्सेस के उल्टा भी हो सकता है बी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस बिटवीन 1/P एंड वॉल्यूम वी के बीच में ग्राफ अगर प्लॉट करते हो इन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन जो ओरिजन से पास होती है नंबर सी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर ए गिवन मास ऑफ द गैस यानी कि जो गैस है उसका मास आपको मालूम होना चाहिए द ग्राफ बिटवीन इसमें ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन प्रेशर एंड द प्रोडक्ट पी इंटू वी में इज ए स्ट्रेट लाइन आता है विच इज द पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस के जो पैरेलल होता है ऑन पेज नंबर टू द स्ट्रेट लाइन जो स्ट्रेट लाइन है शो करती है दैट इज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम वी इज कॉन्स्टेंट जो स्ट्रेट लाइन होती है दैट इज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस है द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज यानी पी इंटू वी हमेशा कॉन्स्टेंट रहते हैं ये पैरेलल चलते हैं प्रेशर के ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया है पी और पी वी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया है पी एंड वी वन अपॉन वी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया है पी एंड वी के बीच में पी एंड वी के बीच में हाइपरबोला के टाइप से है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है एंड मास ऑन इट नंबर सेकंड वाले में भी यही कंडीशन है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है मास कॉन्स्टेंट है और थर्ड वाले ग्राफ में भी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है मास कॉन्स्टेंट है क्योंकि गैस का मास चेंज नहीं हो सकता नंबर सेकेंड चार्ल्स ला 1857 ईयर्स में चार्ल्स ने बताया इन्होंने जो रिलेशन दिया वो वी एंड टी के बीच में दिया वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर वेयर इज पी इज द कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर सपोज एट द प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द प्रेशर सपोज एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस वी लीटर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 एंड T2 रेस्पेक्टली वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी वेयर पी इज कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू के इंटू टी और वी अपॉन टी इज इक्वल टू के इज कॉन्स्टेंट इन्होंने रिलेशन वी और टी के बीच में दिया और प्रेशर को कॉन्स्टेंट रख दिया अगर हम कहें इफ प्रेशर कॉन्स्टेंट द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज V1 एंड टेम्परेचर T1 V1 वॉल्यूम है तो टेम्परेचर T1 हो जाता और T2 टेम्परेचर पर वॉल्यूम V2 हो जाता है एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस V2 एट टेम्परेचर T2 देन V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2
और इसको ले सकते हैं V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ऑन रिवर्सिंग अगर इसको रिवर्स करके लिखे इक्वेशन को तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बच्चे ध्यान से देखें। इफ टेम्परेचर इंक्रीज 0 to 1 degree centigrade, अगर टेम्परेचर को 0 degree से 1 degree centigrade बढ़ाओगे तो 0 degree centigrade पर टेम्परेचर T1 हो जाएगा 273 केल्विन और 1 degree centigrade पर हो जाएगा 274 केल्विन। T1 इज इक्वल टू 0+273 और T2 इज इक्वल टू 0+274। T1 इज इक्वल टू 273 केल्विन, T2 इज इक्वल टू 274 केल्विन। ऑन पेज नंबर 3 V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू, आप इसमें वैल्यू रख दीजिए T2 भी, T2 274 अपॉन 273 क्योंकि आपने टेम्परेचर 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया था। तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू 1+1 अपॉन 273 इसे लिख सकते हैं। तो V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V1 इंटू 1 अपॉन 273 यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है ना, तो उसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम का, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो तो है ही, उसका भी V1 का 1/273 पार्ट बढ़ जाएगा। इसी टाइप से 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने पर फाइनल वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V1 इंटू 1/273 इंटू T, यानी कि V1 तो रह गई और V1 का 1/273 पार्ट इंटू T डिग्री, जितना भी आप बढ़ाना चाहते हो इंटू T लिख दिया मैंने, इतना इंक्रीज हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। तो VT इज इक्वल टू V0 प्लस V0 इंटू T अपॉन 273 भी आप लिख सकते हो। VT इज इक्वल टू V0 इंक्रीज इन द वॉल्यूम विद पर यूनिट इंक्रीज इंक्रीज इन द वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर क्रॉस इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर इंटू V0 VT इज इक्वल टू V0 ब्रैकेट 1+T अपॉन 273। V0 इज वॉल्यूम एट 0 degree centigrade इज इंक्रीज बाई T degree centigrade एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस सेज V1 विल बी गिवन बाय द रिलेशन। अल्टरनेटली लेट VT एंड V0 बी द वॉल्यूम ऑफ ए गैस सैंपल गिवन सैंपल ऑफ ए गैस एट T degree centigrade एंड 0 degree centigrade देन द VT इज इक्वल टू V0 प्लस 1 अपॉन 273। अब इसी डेफिनेशन है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ द गैस जो इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस जो बढ़ता है और डिक्रीज, या अगर माइनस कर आप घटाते हो 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तो डिक्रीज होगा, और डिक्रीजेस बाई 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो उसका वॉल्यूम था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फॉर ईच राइज और फॉल इट्स इन टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली, फॉर ईच राइज और फॉल इन टेम्परेचर रेस्पेक्ट, चाहे आप टेम्परेचर को बढ़ाओ चाहे आप टेम्परेचर को घटाओ, अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम का, घटाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा उसके ओरिजिनल वॉल्यूम का। ऑन पेज नंबर 4 प्रेशर टेम्परेचर से गैलो जगला भी बोलते हैं, PV TN एंड ये चार वैल्यू याद रखिए, इन्होंने P और T के बीच में रिलेशन दिया और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T का है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर घटाओगे तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट कर दिया और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T और P इक्वल टू KT और P अपॉन T इक्वल टू K। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इन्होंने कॉन्स्टेंट वॉल्यूम किया एंड फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 केल्विन आपने जोड़ना पड़ेगा, 273 जोड़ना पड़ेगा, केल्विन में कन्वर्ट करने पड़ेगा, दिस इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इफ प्रेशर इज P1 द टेम्परेचर इज T1 एंड प्रेशर इज P2 द टेम्परेचर इज T2 देन P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 और P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 रिवर्स कर लीजिए सो और P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 उसी तरीके से चार्ज का मैं किया था। इफ टेम्परेचर इंक्रीज 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड T1 हो जाएगा 273 केल्विन और T2 हो जाएगा 274 केल्विन। तो P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू 274 अपॉन 273 हो जाएगा और 274 अपॉन 273 को आप लिख सकते हैं 1+1/273 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1। ऑन पेज नंबर 5 इसी इक्वेशन को P2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने का P1 × 1+1/273 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा और P2 इक्वल टू P1 की मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिएगा, P1 की मल्टीप्लाई 1/273 से कर दीजिएगा, तो P1 × 1+P1 × 1/273 आ जाएगा। अल्टरनेटली लेट PT एंड P0 बी द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट T डिग्री सेंटीग्रेड पर एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो P0 हो जाएगा, T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर PT हो जाएगा। तो इक्वेशन को वी कैन राइट देन PT इज इक्वल टू P0 ब्रैकेट 1+T/273। इसी प्रकार दैट इज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस
or decreases the volume. At constant volume, the pressure between mass of a gas increases or decreases by 1 upon 273 part of its pressure at 0 degree centigrade for each degree rise or fall in pressure respectively. यानी कि प्रेशर जो होता है टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो शुरू का जो प्रेशर है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसका टी वन अपॉन टू सेवन थ्री पार्ट इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, जैसे चार्ल्स लॉ में बताया मैंने बताया राइज और फॉल इन द प्रेशर रेस्पेक्टिवली इफ द टेम्परेचर डिक्रीज जीरो. अगर हम टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड से माइनस वन डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, देन पी टू इज इक्वल टू ब्रैकेट पी वन इंटू माइनस वन अपॉन टू सेवन थ्री इंटू पी वन हो जाएगा. यानी कि अब इसमें 1 अपॉन 273 पार्ट प्रेशर का ओरिजिनल प्रेशर का डिक्रीज हो जाता है. तो पी टू इक्वल टू पी वन वन माइनस 1 अपॉन 273 ये ब्रैकेट में लिख लेना. अगर आप प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड करते हो तो टी वन की वैल्यू 273 आएगी 273 आएगी और माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड के अनुसार टी टू की वैल्यू 272 आएगी. तो पी टू अपॉन पी वन इक्वल टू 272 अपॉन 273 लिखा जाएगा. पी टू अपॉन पी वन इजिकल टू वन माइनस वन अपॉन 273 लिख सकते हैं इसको. तो पी टू इजिकल टू पी वन माइनस पी वन इंटू वन अपॉन 273. ऐसी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते हो तो टी वन इजिकल टू 273 आ जाएगा, टी टू इजिकल टू 272 हो जाएगा. इसका मीनिंग ये हुआ जो फाइनल वॉल्यूम है वो फाइनल प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर का 1 अपॉन 273 पार्ट डिक्रीज हो जाता है. अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो उस कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है. ऑन पेज नंबर 6 डाल्टन्स ने 1802 ईयर्स में बताया डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर. व्हेन टू और मोर गैसेस, जब दो या दो से ज्यादा गैस विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली आर इन द वेसल, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. इन्होंने ये कहा कि अगर दो या दो से ज्यादा गैसेस एक बंद बर्तन में ले ली जाए जो आपस में रिएक्ट ना करती हो, केमिकल रिएक्शन ना करती हो, तो टोटल प्रेशर जो गैसेस मिक्सचर का होता है वो जो जितनी भी गैस आपने उस बर्तन में उस वेसल में भरी हैं, उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. व्हेन टू और मोर गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर केमिकली आर इन द वेसल, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. यहाँ पर पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहा गैसेस मिक्सचर में, अकेली गैस जितना प्रेशर लगाती है उसे पार्शियल प्रेशर बोलते हैं. इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर, अगर मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर जो है गैसेस का वो पी वन पी टू पी थ्री है एंड द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर इज पी है, अगर टोटल प्रेशर गैस पी है तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस एंड सो ऑन आएगा. दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू दोज गैसेस मिक्सचर इन विच द गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर. ये लॉ उन गैसेस के लिए नहीं है अलाउ, उन गैसेस में ये फॉलो नहीं करता है जिनमें गैस आपस में रिएक्ट करती हैं. पार्शियल प्रेशर इफ इट इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस एट द गिवन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, दिए हुए टेम्परेचर पर और वॉल्यूम पर अकेली गैस जितना भी प्रेशर लगाती है गैसेस वेसल की वाल्स पर उसका पार्शियल प्रेशर कहलाता है. प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस, प्रेशर ऑफ द वेट गैस जो गीली गैस है उसका प्रेशर इक्वल टू प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर, वो जितनी भी उसमें वेपर्स आई है जितनी भी उसमें नमी आई है और ड्राई गैस वो प्रेशर ऑफ द वेट गैस के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. इसी टाइप से इसमें बता सकते हैं पी वन इजिकल टू एन वन आर टी, अगर एन वन मोल्स है पहली गैस में, दूसरी गैस में पी टू इजिकल टू एन टू आर टी लिख सकते हैं, तीसरी गैस के लिए पी थ्री एन थ्री आर टी लिख सकते हैं. तो इनको सम कर सकते हैं, इनके पार्शियल को पी वन प्लस पी टू को प्लस पी थ्री को तो लिख सकते हैं आर टी आप कॉमन ले लेंगे, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री आ जाएगा, एन वन प्लस एन टू एन थ्री टोटल मोल्स एन मान लीजिए तो पी इजिकल टू एन आर टी आ जाएगा. तो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच गैस इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इज मिक्सचर, इसको इस टाइप से भी प्रूव कर सकते हैं. ऑन पेज नंबर 7 ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, थॉमस ग्राम्स ने 1833 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी और मोलिकुलर मास ऑफ द गैस.
इन्होंने कहा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन होता है एक गैस का दूसरी गैस से मिलना, उसकी जो वेलोसिटी है उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इसका स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर मास के। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन स्क्वायर रूट डॉट डी और आर इक्वल टू के इनटू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एम और आर इज इक्वल टू के इंटू आर ऑफ एम, इक्वेशन नंबर टू हो गई है। रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कि डिफ्यूजन की क्या वेलोसिटी है ऑफ द टू गैसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिएगा। मैंने दो इक्वेशन बना लिए डेंसिटी फॉर्म में, आर वन इक्वल टू के इंटू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डी वन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अपॉन आर टू इक्वल टू के इंटू वन अपॉन अंडर रूट डी टू, स्क्वायर रूट ऑफ डी टू, इक्वेशन नंबर टू, के से के कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ डी टू ऊपर पहुंच जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ डी वन नीचे आ जाएगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन की जो रेशियो है आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू अंडर रूट डी टू अपॉन डी वन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर थ्री आ जाएगी। सिमिलरली आर वन अपॉन आर टू हम कह सकते हैं अंडर रूट एम टू अपॉन एम वन इक्वल टू अंडर रूट डी टू अपॉन डी वन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। इफ आर वन एंड आर टू आर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द टू गैसेज, अगर दो गैसेज की रेट ऑफ डिफ्यूजन वेलोसिटी ऑफ डिफ्यूजन आर वन और आर टू है एंड डी वन एंड डी टू आर द डेंसिटी ऑफ द गैसेज, उन गैसेज की डेंसिटी डी वन एंड डी टू है, एम वन एंड एम टू आर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेज और मॉलिक्यूलर मास एम वन एंड एम टू है। ऑन पेज नंबर एट, रेट ऑफ डिफ्यूजन मे बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग वेज। रेट ऑफ डिफ्यूजन वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज, कितनी गैस डिफ्यूज हुई टाइम टेकिन इन डिफ्यूजन और कितना टाइम डिफ्यूज में लगा, यानी कि वी अपॉन टी, वॉल्यूम वी अपॉन टी आएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना वॉल्यूम उसका डिफ्यूज हो गया मिल गया दूसरी गैस में, अपॉन टाइम टेकन इन डिफ्यूजन यानी कि वी अपॉन टी, आर इक्वल टू वी अपॉन टी, आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम ऑफ डिफ्यूजन, ये भी लिखा जाता है, और आर इक्वल टू एन अपॉन टी यानी कि एन अपॉन टी, आर इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम ऑफ डिफ्यूजन यानी कि इक्वल टू एक्स अपॉन टी। तो आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू वी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू अपॉन वी टू इज इक्वल टू अंडर डी टू अपॉन डी वन इज इक्वल टू अंडर एम टू अपॉन एम वन, और आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू एन वन अपॉन टी वन इंटू टी टू अपॉन एन टू इज इक्वल टू अंडर डी टू अपॉन डी वन इज इक्वल टू अंडर एम टू अपॉन एम वन, आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू एक्स वन अपॉन टी वन इंटू टी टू अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू अंडर डी टू अपॉन डी वन इज इक्वल टू अंडर एम टू अपॉन एम वन। व्हाइल यूजिंग द फार्मूला मास गैस डिफ्यूज इज नेवर टेकन, जो मास गैस का डिफ्यूज हुआ इज नेवर टेकन, उसे कभी नहीं लिया जाएगा। द मास ऑफ डिफ्यूज गैस इज फर्स्ट कन्वर्टेड, पहले जो मास है गैस का उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा इंटू मोल्स में, देन पुट इन अबव फार्मूला, और तब फार्मूले में पुट अप करेंगे। इफ्यूजन मोमेंट ऑफ द गैस, ऑन पेज नंबर नाइन, इफ्यूजन मोमेंट ऑफ अ गैस थ्रू स्मॉल होल इज कॉल्ड इफ्यूजन। अगर कोई आपका ट्यूब है साइकिल की, अगर उसमें पिंचर उसमें पेन से या पिन से होल कर दें तो गैस डिफ्यूज होती है, मोमेंट ऑफ द गैस होता है थ्रू स्मॉल होल के थ्रू इज कॉल्ड इफ्यूजन, इसे इफ्यूजन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, इट इज द टू गैसेज, इफ द टू गैसेज आर डिफ्यूज, अगर दो गैस डिफ्यूज हो रही हैं आर डिफरेंट प्रेशर पी वन एंड पी टू पर द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू अंडर डी टू अपॉन डी वन इंटू पी वन अपॉन पी टू इज इक्वल टू अंडर डी वन अपॉन डी टू अपॉन डी वन की जगह लिख सकते हो अंडर एम टू अपॉन एम वन इंटू पी वन अपॉन पी टू। इफ्यूजन ऑफ गैसेज आल्सो डिपेंड्स अपॉन देयर डेंसिटी, इफ्यूजन जो गैसेज का होता है आल्सो डिपेंड्स अपॉन देयर डेंसिटी और मोलिकुलर मास एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि इफ्यूजन जो गैसेज का होता है वो डिपेंड करता है अपॉन देयर डेंसिटी, उनकी डेंसिटी क्या है या मोलिकुलर मास क्या है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इन 22 लीटर ऑफ द गैस एट एस टी पी इज इक्वल टू वन होते हैं, मोल्स ऑफ द गैस मोल्स ऑफ द 22.4 लीटर ऑफ द गैस एट एस टी पी पर 6.023 होते हैं। अवोगाद्रो ला इन ईयर्स 1881 में इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर को अगर हम कॉन्स्टेंट रखें इक्वल वॉल्यूम
possesses इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स रखती हैं, उनमें इक्वल वॉल्यूम में इक्वल मोल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन ए अवोगाड्रो नंबर वेयर पी एंड टी इज कॉन्स्टेंट, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन वेयर एन एंड कैपिटल एन इज स्मॉल एन आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताएगा, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स को बताएगा। पॉइंट नंबर टू, मास ऑफ द 22.4 लीटर ऑफ द गैस एट एस टी पी इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ऑन पेज नंबर 10, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए सैंपल ऑफ ए गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस प्रेजेंट। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस के। द गैस इक्वेशन, बॉयल्स ने बताया वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P होता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी इक्वेशन नंबर टू। अकॉर्डिंग टू द अवोगाड्रो लॉ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल इक्वेशन नंबर थ्री। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थ्री इक्वेशन से वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन टी ऊपर आ जाएगा, अपॉन पी नीचे आ जाएगा। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर पी वी इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा, वेयर आर इज द कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट होगा जिसे यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट बोलते हैं या मोलर गैस कॉन्स्टेंट बोलते हैं। पी इंटू वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, एन जो होता है वेट अपॉन मोलिकुलर मास इंटू आर टी लिखा जाएगा, और पी को यहीं पर छोड़ दीजिएगा, डब्ल्यू अपॉन वी इंटू एम आर टी लिख लीजिएगा। वेट अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी डी डी आर टी अपॉन एम हो जाएगा, वेयर डी इज द डेंसिटी ऑफ द गैस। द एंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।